बीते दिन मुंबई के वार्ड क्रमांक 46 की नगर सेविका योगिता सुनील कोली ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने लोगों को पिछले 5 साल में हुए कार्यों को बताया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के तौर पर मंगल प्रभात लोढ़ा, गोपाल शेट्टी और सुनील कोली उपस्थित रहे, जिन्होंने योगिता सुनील कोली के कार्यों की तारीफ की और विश्वास दिलाया कि अगर योगिता कोली फिर से नगर सेविका बनी तो और भी कार्य उनके मार्गदर्शन में होते रहेंगे। प्रिय नगर सेविका योगिता ताई कोली ने 5 साल बहुत ही शानदार और जानदार ढंग से काम किया। बहुत सारे काम हुए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कामों का अंकित इस पुस्तिका में उन्होंने करने का काम किया। एक पहली बार चुन कराने के बाद में इतने अच्छे ढंग से काम करने वाले कुछ ही नगर सेवक मुंबई शहर में आपको मिलेंगे, उसमें से निश्चित योगिता ताई का नाम अगले क्रम में लिया जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने काम किया, रचनात्मक उन्होंने काम किए। एसी रोड का वाइंडिंग के काम में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और सामान्य लोगों को न्याय देना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाकर खड़ा रहना। पार्टी का भी कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे लगता नहीं कि 5 साल के कार्यकाल में कोई पार्टी का भी कार्यक्रम उन्होंने मिस किया होगा। एक बहुत ही अच्छे ढंग से काम उन्होंने किया। जितना प्रेम 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में लोगों ने वोट दिया उनको, मैं मानता हूँ कि उससे भी अधिक काम करके जनता को रिटर्न देने का काम उन्होंने किया है। तो एक सांसद के नाते मेरा एक बहुत लंबा पारी उत्तर मुंबई में हुआ है, लेकिन मैं स्वयं उनके काम से प्रभावित हूँ। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक क्षेत्र में और अच्छा और बड़े बड़े काम उनके हाथों से हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में हमेशा रहेगी। वहीं पर बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई अध्यक्ष होने के नाते यह ऐलान कर दिया कि मुंबई में अगर नगर सेविका का टिकट मिलेगा तो सबसे पहले योगिता सुनील कोली को। के सामने कौन हिम्मत से खड़ा हो सकता है? किसने हिम्मत है जो जोरदार आवाज के स्तर से बदमाशी को, दादागिरी को रोक सके? वो केवल योगिता ताई में है, और वो ताकत आपके कारण आई है। योगिता ताई का साथ दीजिए, 3 महीने चुनाव के अंदर बाकी है। 16,000 से मार्जिन बन के 20,000 होने वाला है आपके कारण। मैं मुंबई के अध्यक्ष के नाते यदि मुझे 1 सीट का भी घोषणा करने का मौका मिला तो आज सार्वजनिक मन से घोषणा करता हूँ कि पहला टिकट किसी को दिया जाएगा, योगिता ताई कोली को दिया जाएगा और आपके वार्ड से दिया जाएगा। वहीं पर योगिता कोली ने जनता का धन्यवाद अदा किया और कहा कि मलाड में और सारे कार्य है जो अभी उन्हें पूर्ण करना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये मुझे मौका दिया जनता की सेवा करने की, और मैं खासदार के सामने भी हूँ, क्योंकि जब भी मैं चुन के आई तभी उन्होंने मेरा सत्कार किया था। तभी उनको मैंने वचन दिया था कि साहेब मी येणाऱ्या काळामध्ये एक नगर सेवक बनून नाही तर एक जनतेची सेवक म्हणून काम करेन, आणि तेच काम करून मी ह्याच पोच पावती आज सगळ्या जनतेसमोर ठेवलेली आहे। एवढंच या ठिकाणी देखो, मेरा अधूरा काम रह गया वो हेल्थ पोस्ट का है, महिला आधार भवन का है और डिजिटल लायब्ररी का है। वो मैंने पास किया था, उसके लिए फंड भी पास किया था, लेकिन किसी का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने ये काम रोकने का प्रयास किया। लेकिन आने वाले समय में मैं नगर सेविका बनूँ या ना बनूँ वो मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये काम जरूर पूरा होगा। वहीं इस कार्यक्रम में मलाड विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोली ने कहा कि मलाड में 95% विकास हो चुका है, लेकिन 5% एक मंत्री के कारण नहीं हो पा रहा है। आज जनता के सामने 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते मलाड की जनता ने योगिता कोली को लगभग 17,000 वोटों से यहां से जिताया था, और 2017 में नगर सेवक बनने के बाद इस विभाग में पूरी तरह हमने झोंक के काम किया, रास्ते पे सड़क पे उतर के काम किया, चाहे कोरोना का पीरियड हो, चाहे बारिश का पीरियड हो और चाहे कैसा भी समय हो, हम लोगों की सेवा के लिए सड़क पे उतरे। और उतना ही नहीं, इस विभाग में सड़क की काफ़ी दिक्कत थी, समस्या थी, वो पूरे सड़क बनाने का लगभग 95% हमने काम पूरा किया। साथ ही साथ इस विभाग को बस सेवा, ये जहां हम बैठे हैं ये पूरा मलाड का पुराना इलाका है, गाउठन जिसे बोलता है, यहां से मलाड स्टेशन जाने के लिए हमने एसी बस की व्यवस्था की। कई अनेक ऐसे चौक है जिसका खाली सौंदर्यकरण नहीं, नूतनीकरण नहीं, बल्कि उसको
अच्छी तरह लाइट से जगमगाट करने का हमने काम किया और लोगों की पूरी तरह सेवा करने का काम किया। और हमने जो जो काम इस 5 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए किए हैं वो लिखित रूप में और लिखित स्वरूप जो बोलते हैं सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों में पेश किए हैं। देखिए 5% काम ऐसा है जैसा योगिता कोहली ने कहा, हमारा एक डिजिटल लाइब्रेरी और महिला आधार भवन और हेल्थ पोस्ट का काम यहाँ के जो मंत्री हैं असलम शेख जी, उनको उस काम के लिए बढ़ावा देना चाहिए। मैं जाहिर रूप से मीडिया के रूप से आपको कहता हूँ कि वो हेल्थ पोस्ट के लिए 15 लाख का निधि योगिता कोहली के नगर सेवक रूप से पास हुआ। और एक्चुअली जब काम की शुरुआत हुई अभी यहाँ के जो माजी दो नगर सेवक दीपक पवार और अशोक पटेल जाके वो मंत्री जी से मिले और मंत्री ने पूरा BMC को जोर लगा के जो हमारा चालू हो रहा था काम, जो SWM के प्लॉट में हमारे काम की शुरुआत हुई थी उसको रोकने का काम किया। वो रोकने का काम नहीं, वो महापाप का काम किया उन्होंने। जब कोरोना के पीरियड में हर लोगों को मेडिकल सुविधा की जरूरत थी और ऐसे समय हम मलाड के लोगों को हेल्थ पोस्ट की सुविधा दे रहे थे, 15 लाख के निधि से हमारी एक बिल्डिंग बन रही थी और उसके बाद की मैं बात बोलता हूँ, DPDC के फंड से उसको 5 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन हुआ था। उसमें हम महिला आधार भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, ये ऐसे और हेल्प पोस्ट लोगों को देने वाले थे, लेकिन वो बहुत महापाप असलम शेख ने ये दो नगर सेवक का सुन के जो किया है वो आने वाले समय में हम उसका जवाब देंगे।